मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और आज हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर भी आएंगे। और आपको बता दें कि कल राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी, तो मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। और साथ ही बता दें कि कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री। हमें यूनियन मिनिस्टर से मिलना है क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट से जुड़े कुछ इश्यूज हैं। हाँ जी, तो उन मिनिस्टर से मिलना है क्योंकि आज और कल में अब अवेलेबिलिटी नहीं है मिनिस्टर्स की, तो देखते हैं कि किस ढंग से होगा कि हमारे प्रोजेक्ट्स हैं पानी के, उनके फंडिंग्स के इश्यूज हैं, उनकी हमने बात करनी है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनय सिंह जुड़े हुए हैं। विनय, जानकारी चाहेंगे, हालांकि आज तीसरा दिन है, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री दिल्ली दौरे पर हैं और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का समय मांगा, क्या मुलाकात का समय मिल गया है? अभी तक किसी तरह की मुलाकात का समय मुकेश अग्निहोत्री को नहीं मिला है और आपने ठीक कहा कि तीसरा दिन है, शुक्रवार देर शाम को वो दिल्ली आ गए थे जी। कल जो उन्होंने मुलाकात की, कल शनिवार था, उन्होंने मुलाकात की है अपने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से और लगभग एक घंटे की मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि हालांकि ये मुलाकात शिष्टाचार है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो मुलाकात है वो अभी, चूंकि हिमाचल में तीन चेहरों पर अभी मुहर लगनी है जिनको कैबिनेट का दर्जा दिया जाना है, तीन और मंत्री बनने हैं, उस पर चर्चा हुई है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री को और भी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करनी है, चूंकि अभी तक किसी का समय नहीं मिला है और उप मुख्यमंत्री कल भी दिल्ली में है और कल उनकी दिल्ली से रवानगी है, तो ऐसे में हो सकता है कि कल उनको किसी तरह की मुलाकात का समय मिले, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि उनको अपने डिपार्टमेंट से जुड़े मामलों को लेकर मुलाकात करनी है, पानी को लेकर की परियोजनाएं हैं उसको लेकर मुलाकात करनी है, तो अपने अपने डिपार्टमेंट से संबंधित केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। अब देखना है कि आज, चूंकि आज रविवार भी है, तो ऐसे में आज किसी तरह का समय मिलने की संभावनाएं कम है, तो ऐसे में उम्मीदें हैं कि कल, चूंकि कल सोमवार है और तमाम कार्यालय और मंत्रालय खुलेंगे, तो कल हो सकता है कि किसी तरह की मुलाकात का समय उप मुख्यमंत्री को मिल सकता है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनय, तमाम जानकारी के लिए आपका।